क्यू एन ए। तो गाइज आप सबका क्यू एन ए पार्ट वन में आप सबका स्वागत है। तो क्यू एन ए क्या है गाइज, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं और सारे आंसर मैं देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भाई स्टीलिंग्स कहाँ मिलेगा और ग्राउंड एंड स्टील स्टोन के लिए कौन सा पोकेमोन हम लोग को पकड़ना चाहिए जब हम बात करें रीसेट ट्रिक की। तो भाई स्टीलिंग्स आपको मिल जाएगा स्प्रिंग लैंड में, और स्टीलिंग से एक्चुअली रिकमेंडेड होता है अगर आपको ये दोनों स्टोन्स चाहिए तो। अगर आपको ग्राउंड स्टोन भी चाहिए तो स्टीलिंग्स के लिए जाओ, और स्टील भी चाहिए तो स्टीलिंग्स के लिए, क्योंकि स्टीलिंग्स बहुत आसानी से मिल जाता है गाइस। ये मेरा पर्सनल ये है आपका एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ कि स्टीलिंग्स बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाता है। अगर आप सिर्फ पैदल चलते हो तभी आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सारे कि भाई स्नो लेग्स पर आपने क्यों स्टील होल्ड आइटम रखा है और अपडेट कब तक आएगा। और उसके बाद ये भी पूछा है कि भाई मैं वर्ल्ड लीग में मोड ऑन करके खेलता हूँ तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो गाइज हमारा जो सबसे पहले स्नोलेस का जो होल आइटम है वो मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैं अपने स्नोलेस को चेंज करके वाई वाला बनाने वाला हूँ जो स्टीलिंग ग्रास टाइप है। और नेक्स्ट जो बात है कि भाई वर्ल्ड लीग में मैं मोड ऑन करके खेलता हूँ, तो गाइज अगर आप मोड ऑन करके खेलोगे तो डिस्कनेक्ट पहले ही हो जाएगा और ये चला जाएगा आपके एक जो इलीगल यूज़ होता है उसमें, ठीक है। तो आपको मोड हमेशा ऑफ़ करके वर्ल्ड लीग या फिर कोई भी टूपी बैटल जो ऑनलाइन होते हैं आपको खेलना होता है। और अपडेट के बारे में गाइज, अपडेट दिसंबर फर्स्ट वीक में तो सुनने में आया था, पर दिसंबर में ही होगा ये तो पता ही है, तो आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा। तो अभी ये बात करते हैं होल्ड आइटम की। गाइज मेरे एक दोस्त भाई ने पूछा था चैनल पर ही भाई होल्ड आइटम्स मेरे को कहाँ से मिलेगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मिलने में। तो सबसे पहले बता दूँ, अगर आप डबल एस आर पोकेमॉन्स का होल्ड आइटम चाहते हो तो वो उन सब पोकेमोन के मैक्सिमम पोकेमोन के होते ही हैं, पहले से बने होते हैं, वो आपको लेजेंड ट्रेल कंप्लीट करने पर मिलेंगे 100 लेवल जब कंप्लीट करोगे। अगर आप किसी पोकेमोन स्पेसिफिक टाइप का चाहते हो जैसे कि फायर वाटर, तो आपको लेडर कॉन्टेस्ट में उनके शर्ट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हो। और 2P इंस्टांस कंप्लीट करने पर ये सारे आपको मिलेंगे। ये नॉर्मली किसी भी पोकेमोन में ज़्यादा बेहतर नहीं बैठते, ये हम लोग को इसीलिए मिल दिए जाते हैं ताकि अगर आपको कोई दूसरा इवेंट कोई दूसरा जो होल्ड आइटम चाहिए तो आप इसे रिजॉल्व करके इसे तोड़ के उससे बना सकते हो, ठीक है। आप कैसे बनाओगे, यहाँ पर आपको दूसरे साइड में क्लिक करना होता है सिंथेसाइज में, और आपको जो जो चाहिए होल्ड आइटम वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। हर एक पोकेमोन का होल्ड आइटम यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये आपको पसंद नहीं आता है तो आप लेटर कॉन्टेस्ट वाले में से जो आपको चाहिए, अटैक चाहिए, डिफेंस चाहिए, स्पेशल डिफेंस चाहिए, जो चाहिए वहाँ से ले सकते हो। या फिर अगर डबल एस आर पोकेमोन है आपका, अगर उसका स्पेसिफिक जो होल्ड आइटम वो चाहिए तो आप लेजेंड ट्रेल कंप्लीट करके ले सकते हो। तो यहाँ पर भाई जो जो चाहिए आपको यहाँ से कलेक्ट करना होता है। ये जो ब्लू कलर वाला होता है ये क्विक क्लो जब आप रिजॉल्व करते हो तब मिलता है, या फिर कोई जो हमारा लैडर का जो होल्ड आइटम आप सिंथेसाइज करके रिजॉल्व करते हो तब आपको मिलता है। तो होल्ड आइटम सारे आपको मिल गया या पता चल गया। और कई बोल रहे थे भाई ये हमें जो मेल कैसे आता है ये सब आ जा रहा है, ये क्लेम भी नहीं कर पा रहे हम लोग, और ये कैसे होता है। तो गाइज ये तब होता है जब आप कोई किसी कोई भी स्पेसिफिक अगर कैंडीज हो या फिर ये मेरा जो होल्ड आइटम का जो ये रिजॉल्व पार्ट है ये मैक्सिमम हो जाता है। तो ये इसका लिमिट है 4999 और कैंडीज का भी 499 ही है, पर मैक्सिमम का ज़्यादा है, ठीक है। इन थोड़ा का काम है तो आपको थोड़े से सेल कर देनी है यहाँ पर आके, ठीक है। उसके बाद इंटर क्लेम कर लेना है, जो भी है हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका जो डेली रिवॉर्ड आता है मेल के थ्रू वो आपको नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हिल बेल कैसे काम करता है और फ्रेंडशिप के ऊपर, ठीक है। तो ये इनके बारे में बता देता हूँ। हिल बेल भाई एक ऐसा मूव है जब भी आप यूज़ करते हो तो ना कि आपके अगर आपके टीम के भी पोकेमोन जो जो हैं उनका उन पर अगर कोई भी स्टेटस मूव यूज़ होता है जैसे कि विलो विज जिससे बंद हो जाती है या फिर स्लिप हो जाते हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं, ठीक है। हील बेल ऐसे हीलर काम करता है, ठीक है, वो बस हील कर देता है। और हील पल्स जो होता है वो आपके जो ओपोनेंट है उसका एचपी बढ़ा देता है। अभी बात करते हैं फ्रेंडशिप के, ठीक है। तो भाई फ्रेंडशिप क्या होता है और कैसे करें, फ्रेंडशिप के लिए आपको दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है चाहिए होती है। एक रेड बॉक्स चाहिए होता है जो आपको फ्रेंडशिप के जो इंटीमेट आइटम्स होते हैं वो से मिलते हैं, यही है वाला इंटीमेसी वाला जो बॉक्स है। आपको ये कैसे मिलेगा, यहाँ से आप लेजेंड ट्रेल के जब 100 लेवल कंप्लीट करोगे आपको 3 बॉक्स मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते तो आप वाइल्ड स्टोर में भी जाके ले सकते हो, जिसके लिए आपको एक मिल जाएगा आराम से। हर दिन आपको 2 मिलते हैं एज ए VIP 0। VIP का कोई लिमिटेशन नहीं होता, उनको जितना रीसेट कर सकते हैं उनको मिलेगा। और इसके लिए आपको 3000 जो पॉइंट चाहिए वो होते हैं वाइल्ड रिलीज पॉइंट वाले। आपको पोकेमॉन बेकार पोकेमॉन रिलीज करोगे तो ये पॉइंट्स मिल जाएंगे जिससे आप लोग एक्सचेंज कर सकते हो। और उसके बाद आपको चाहिए पर्पल बॉक्स, ठीक है। दो चीज़ के लिए आपको पर्पल बॉक्स चाहिए, एक फीडिंग के लिए चाहिए और एक बाथिंग के लिए। आपको अपने पोकेमोन को नहलाना होता है और दूसरा जो होता है फीडिंग, और ये परमानेंट होते हैं। एक बार आपने किसी का फ्रेंडशिप कर दिया और आप रेगुलर खेलते हो तो फ्रेंडशिप कभी कम नहीं होगा। अगर आप फ्रेंडशिप कंप्लीट करके चले जाते हो कहीं साल दो साल बाद आते हो तो आपका ऑटोमेटिकली जो फ्रेंडशिप पावर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ये मेरे को पता नहीं शायद गेम ग्लिच है या फिर रूल है, जो भी है। तो बाथिंग क्या करना, जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पर मैं अपने सिज़ोर पर साबुन रगड़ रहा हूँ, बहुत ही ऑकवर्ड लगता है ये सुनने में। 8 पॉइंट्स मैक्सिमम आपको मिल जाएगा ऐसे आपको रगड़ना होता है, यहाँ पर मैं साबुन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आता है भाई बॉक्सिंग, 4 यहाँ पर है लेकिन 3 ही रिकमेंडेड होता है, ठीक है। बॉक्सिंग आपको मैक्सिमम 4 पॉइंट्स देगा,
और बाथिंग आपको मैक्सिमम 8 पॉइंट्स देगा, फीडिंग आपको मैक्सिमम 16 पॉइंट देगा। ये सबसे ज़्यादा पॉइंट देता है, पर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है क्योंकि भाई इसके लिए आपको चार जो ईटिंग आइटम्स हो वो चाहिए होते हैं, ठीक है। एक कंपलसरी आपको एप्पल लेना पड़ेगा, तीन चेरी लेने पड़ेंगे अगर आपको 16 पॉइंट के पूरा 16 चाहिए तो, या फिर आप दो एप्पल ले सकते हो, एक दो चेरी ले सकते हो फिर से 16, या फिर तीन एप्पल और एक स्ट्रॉबेरी तो वो भी 16 पॉइंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 16 पॉइंट अगर मिल जाते हो भाई, 10 ऐप करो तो 160 पॉइंट्स मिल जाते हैं बहुत ही आसान से। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट करनी होती है आपको। फिर आते हैं बात कैरेक्टर्स पर, ठीक है। फ्रेंडशिप में आप जैसे ही स्टेज बाय स्टेज कंप्लीट करोगे उसके लेवल्स फ्रेंडशिप के, आपको ये कैरेक्टर लेवल देखने को मिलेंगे। अटैक, स्पेशल अटैक, उनमें से एक चूज़ करना होता है। डिफेंस, स्पेशल डिफेंस, उसमें से एक चूज़ करना होता है। स्पीड और एचपी आपको कैसे पता चलेगा? आप यहाँ पर जैसे एस वाले क्लिक कर दोगे, जिस भी पोकेमोन को वहाँ पर लग जाएगा, या फिर आपको जो चाहिए। हम लोग तो यही कहते हैं भाई, हमें जो चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे को मेरे स्वंपड में एचपी और अटैक चाहिए और डिफेंस, ठीक है, तो मैं यही तीनों ले लेता हूँ। आपको अपने पोकेमोन का जो चाहिए, स्पेशल अटैक चाहिए वो ले लो, स्पेशल डिफेंस चाहिए वो ले लो, स्पीड चाहिए वो ले लो, एचपी चाहिए वो ले लो, जो भी आप कैरेक्टर चूज़ करोगे वो रह जाएगा। उससे फिर बदल भी सकते हो, पर उसके लिए आपको थोड़े से क्रिस्टल्स खर्च करने पड़ेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये इन बैटल में आपका पावर बढ़ाता है। 5% अटैक बढ़ा देगा, 20% एचपी बढ़ा देगा बैटल के बीच में। जब भी आप कोई भी बैटल करो, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी बैटल, बॉट से लड़ो किसी भी लड़ो, आपका एचपी या फिर जो स्टेटस वगैरह होते हैं वो बैच में ही बढ़ेंगे, या से नॉर्मली आपको शो नहीं होगा वो जो इंक्रीज हुआ है कैरेक्टर जो चूज़ किया आपने। कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कैरेक्टर को चूज़ करने। फिर भाई रीसेट्रिक में हर कोई बोलता है भाई डबल एस आर पोकेमोन या फिर एस आर पोकेमोन ट्राई करें, बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ एस और आर टाइप पोकेमोन पर यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई हमें प्लेयर ऑफ कहाँ से मिलेगा? भाई प्लेयर ऑफ आपको स्टोर में मिलेगा, और ये स्टोर रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ ये रहा, और यहाँ पर आपको लेजेंडरी जो हमारा स्टोर है यहाँ से आप मिल जाएगा। ये देखिए आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा ऊपर, ये रहा, ठीक है। आपको जो चेस्ट हैशटैग 5 वाला लेना है, जो टीएम सेट चेस्ट जो 5 वाला, वहीं से आपको मिल जाएगा। वहीं पर आपको इंफेस्टेशन या फिर बाकी सारे जो नए नए मूव्स ऐड किए गए मैक्सिमम आपको वहीं पे मिल जाएगा, ताकि स्टिकी हुई है वो कोई भी हो। अब भाई आप सबको मैंने बता दिया जो है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भाई हेज और मिस्ट कैसे काम करता है। भाई हेज आपका जो अगर डिफेंस कम है या फिर अटैक कम है, ठीक है, या फिर ओपोनेंट का अटैक बहुत ज़्यादा हो गया, तो अगर आप हेज यूज़ करोगे तो दोनों का 0-0 पर आ जाएगा, ठीक है, उसे फिर से अटैक बूस्ट करना पड़ेगा अगर वो ज़्यादा पावर चाहता है तो। और मिस्ट क्या होता है, अगर गाइस आप मिस्ट यूज़ करोगे तो 5 टर्न्स के लिए ऐसा कंडीशन हो जाएगा कि ओपोनेंट जो आपके पोकेमोन का है कोई भी अटैक कम नहीं कर पाएगा कोई भी मूव से, या फिर स्क्रीच यूज़ करके आप डिफेंस कम नहीं कर पाएगा, कोई भी आपके ऊपर जो आपके जो स्टेटस है उसे कम ही नहीं कर पाएगा। मिस्ट 5 टर्न तक काम करता है, 5 टर्न्स तक, तो आपको जैसे यूज़ होता है वैसे आप यूज़ करना। मैक्सिमम इसे कोई यूज़ करता नहीं है क्योंकि वर्ल्डिंग में ऐसे कोई मूव्स यूज़ नहीं करता कि आपको कोई डिफेंस या फिर अटैक कम किया जाए। हाँ, अटैक कम करने वाला इंटीमेसी, अडेप्टिबिलिटी या फिर ऐसे कोई दूसरे एबिलिटीज़ को कम करने के लिए कोई कोई ऐसे मूव ऐसे एबिलिटी हैं, ठीक है। इंटीमिडिएट एक ऐसा एबिलिटी है जो आपके ओपोनेंट का जो अटैक है वो कम करता है, तो इससे मिस्ट से वो कम नहीं होगा, एक अच्छा वर्ड। फिर नेक्स्ट है भाई मेरे को फायर और फाइटिंग स्टोन्स चाहिए, तो क्या मैं चारिजार्ड के लिए जाऊँ या फिर कोई और? तो भाई अगर आपको फायर स्टोन चाहिए तो फ्लेरियन के लिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि भाई फेटर्स में फ्लेरियन मेगा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है 5 आपने ऑलरेडी पकड़ लिए, बस आपको 10 पकड़ के एवेकन 1 करना है। और फ्लेरियन अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो ये कंप्लीट पोकेमोन है, ठीक है, कंप्लीट फायर टाइप ही देगा आपको। तो एवेकन 2-3 काफ़ी होता है आपको अगर कम स्टोन चाहिए तो, ठीक है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपको। और फाइटिंग के लिए आप ऑब्वियसली माचिंग पर जाओगे, और वो भी आपको मैं बता दूंगा कि कौन से रीज़न में मिलता है। तो सबसे पहले आपको जो फ्लेरियन है हमारे गारचॉम वाले रीजन से मिल जाएगा, जहाँ पर गारचॉम वर्ल्ड में है वहीं से मिल जाएगा आपको। और माचॉम जो है वो आपको ऑटम गेट पर मिल जाएगा, ऑटम वाले पर रीजन पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर से ले सकते हो, ग्लेड वाला जो होता है वहाँ पर। वहाँ पर आपको एग्रॉन भी मिल जाएगा, ब्लिसिम मिल जाएगा, ठीक है। तो रीसेट ट्रिक के लिए आपको अगर चाहिए फायर और फाइटिंग, तो माचॉम पर फ्लेरियन पकड़ लेना, आपको जल्दी हो जाएगा। एवकन 2-3 में आपके इतना ही हो जाएगा। अगर आप ब्लेजिकन R2 में समझ पा रहे हो कि ब्लेजिकन R2 करना होगा या फिर R2 एवकन करना होगा, तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हो, ठीक है। जब आप फ्लेरियन को रीसेट करो उसे फिर से मेगा बना के रख देना, क्योंकि आपको फेटर्स में है। तो बस इतना ही काफ़ी था आपके लिए। तो गाइज़ आपको जो हेल्प चाहिए था मैं दे रहा हूँ, तो गाइज़ सपोर्ट करना और अपने भाई को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं भाई Q&A का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आप कहने वाले थे कंजप्शन जो आया था उसमें कुछ ट्रिक बताएंगे। तो भाई ट्रिक ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए मेरे को कम से कम 13K क्रिस्टल कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बता दूँगा। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है ये, अभी मैं अगर बताने जाऊँ तो पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, पर आप ठीक से समझ नहीं पाओगे। तो इसके लिए थोड़ा सा मेरे को क्रिएट करके आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आपका जो क्रिस्टल्स होगा वो खर्च होगा ही नहीं, और आपको सारे इवेंट आइटम मिल जाएंगे। सो जो आइटम्स यहाँ पर है सारे मिल जाएंगे।
तो वो बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आप कंपलसरी जब 13K क्रिस्टल्स बना लूँगा तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उससे पहले फिर से याद दिला दूंगा आपको भाई का चैनल जो है सब्सक्राइब कर लेना है और जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो Q&A में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन ये है कि हर ट्रेनर के पास मोबाइल क्यों है, और मैंने ये खास आज तक पहले नोटिस किया है, ठीक है। आज हाल ही में सब नोटिस कर रहे हैं कि भाई मोबाइल का जो नंबर से वो ज़्यादा बढ़ गया है, वो इस एबिलिटी के लिए बढ़ा है गाइस, ये जो ह्यूज पावर एबिलिटी है इसके वजह से, ठीक है। जो आप हाल ही में नोटिस कर रहे हो कि हर किसी के टीम में मोबाइल है, ये एबिलिटी की वजह से। आप सिर्फ मोबाइल नहीं, अगर हाई प्लेयर VIPs को देखो तो उनके अब टीम में एक मेगा कॉम्बैट पिकाचू भी है, तो उसके पास भी ह्यूज पावर एबिलिटी है। दोनों लौते पोकेमोन है अभी पोकेटाउन में जिनके पास ह्यूज पावर एबिलिटी है, इसी की वजह से रखा गया है। और ये बेहतरीन एबिलिटी है, काम क्या करती है भाई, आपका जो अटैक है उसे डबल कर देती है। फॉर एग्जाम्पल 10K अटैक हो तो 20K अटैक, समझ गए आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एवेकन स्टोन्स। जी हाँ भाई, आपके पास इतने सारे एवेकन स्टोन्स कैसे, हमारे पास तो नहीं है। तो ये गिल्ड वार की वजह से गाइज, मेरे पास जितने भी एवेकन स्टोन्स हैं ये सारे गिल्ड वार्स की वजह से। और रीसेट्रिक VIP जब हमारा अपडेट नहीं हुआ था, उससे पहले जो अब हम रीसेट्रिक यूज़ करते थे, हमें जितना हमने एवेकन स्टोन्स खर्च करते थे उसका 2 गुना मिलता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 3000 एवेकन स्टोन खर्च किए उस पोकेमॉन पर तो मेरे को 6000 मिलते थे, बहुत ज़्यादा मिलते थे। पर अपडेट के बाद उन्होंने वो जो कंडीशन होती है उसे हटा दिया और सिर्फ उतना ही दिया जितना आप खर्च करते हो, पर उतना भी नहीं, जितना आप खर्च करते हो उससे कम से कम 400-500 ज़्यादा एवेकन स्टोन्स आपको मिल जाते हैं अभी भी। पर पहले इसके पूरा डबल मिलता था, ठीक है, स्टोन्स भी, रिवर्सन स्टोन्स भी और एवेकन स्टोन्स भी। और अगर देखो एवेकन स्टोन्स आपको और दूसरे तरीके से चाहिए, आप विक्ट्री रोड कंप्लीट कर सकते हो। विक्ट्री रोड कंप्लीट करने के बाद या जो स्मगलर है उसके पास भी रिवर्सन स्टोन्स मिलता है, वहाँ से भी ले सकते हो, या फिर आप जो ट्रेजर हंट वहाँ से भी कर सकते हो। अगर आप और ज़्यादा इवोल्यूशन स्टोन चाहिए, एवेकन स्टोन चाहिए, सॉरी, तो अपने गिल्ड को कहो यार कि सब मिल एक टारगेट पर अटैक करो। जो एवेकन स्टोन सबसे ज़्यादा देता हो, आई थिंक रेजिगिगस सबसे ज़्यादा देता है, तो रेजिगिगस पर अटैक करो यार सबसे ज़्यादा। अगर 1 भी ले लो तो 400 एवेकन स्टोन कम नहीं होता गाइस, 4 दिन कम से कम, आपको 5-6 दिन लग जाते हैं उतने कमाने में विक्ट्री रोड के सारे। और विक्ट्री रोड कंप्लीट करना तो भाई मोड का इस्तेमाल, मोड एक्चुअली इतना अनफेयर भी नहीं है। अगर आप बॉट के खिलाफ यूज़ करते हो तो इज़ वेरी फेयर, अगर आप वर्ल्डिंग में यूज़ करते हो प्रॉपरली भाई अनफेयर या बैन भी हो जाओगे अगर आप वर्ल्डिंग में मॉड ऑन करते हो तो। मॉड में बेहतरीन बेहतरीन ऑप्शन दिया गया है यार, ऑफ भी कर दो ऑन भी कर दो, आपको नहीं इस्तेमाल करना तो नॉर्मल ऐप जैसे ऑफ करके रखो, और अगर इस्तेमाल भी करना है तो ऑन कर दो भाई। और मोड की सबसे बेहतरीन काबिलियत यह है कि गाइज ये हर एंड्रॉयड में चलता है 8, 9, 10, ठीक है। तो 10 के लिए आपको दूसरा ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आप नॉर्मल ऐप अगर आप खरीदते हो तो, पर मोड में भाई किसी भी एंड्रॉयड में आपको चलेगा, ठीक है। उसके बाद भाई आता है क्वेश्चन, मास्टर बॉल कैसे मिलेगा गाइज, ये फेसबुक में मेरे भाई ने पूछा था। तो मास्टर बॉल ये जो स्मगलर है उसी के पास मिलेगा, आपको 3 मिल जाते हैं, आपको 4,50,000 कॉइन्स से एक्सचेंज करना पड़ेगा, और वाइल्ड स्टोर में मिल जाता है। ऊपर से आप यहाँ पर पोके मार्ट में भी ले सकते हो, यहाँ पर 200 क्रिस्टल्स आपको खर्च करने पड़ेंगे एक मास्टर बॉल की वजह। पर ये पोकेमॉन स्मगलर से लोगे तो ज़्यादा चीप पड़ता है, सिर्फ कॉइन्स कुछ देने पड़ते हैं, बेकार कॉइन्स। तो हो गया शायद आपको समझ में आ गया कि मास्टर बॉल कैसे मिलता है। फिर हमारे एक और भाई ने पूछा था कि भाई जी क्यूब वो कहाँ से मिलेगा जो हम लोग जी मूव को लेवल अप करते हैं। तो भाई वो 2 इंस्टेंस कंप्लीट करोगे तो आपको हर इंस्टेंस कंप्लीट करने पर 4 मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप जी क्यूब आराम से कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उस पर देखते हैं, तो भाई गिल्ड वार में कैसे पोकेमॉन बदलते हैं, आपको सबसे पहले मैप क्लिक करना होता है, उसके बाद गिल्ड वार जो लॉग होता है वहाँ क्लिक करना होता है, उसके बाद एडजस्ट फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पर एडजस्ट फॉर्मेशन जो दिया गया वहाँ पर क्लिक करो, फिर जो पोकेमॉन लगाने लगा दो है जिससे अटैक करना है। रिकमेंडेड होता है ये कि आप पहले स्क्रीच वाले पोकेमॉन रखो उसके बाद स्वॉर्ड डांस वाले जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज कर पाओ। तो मिलते हैं गाइस।